हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी सरस्वती एकेडमी में। आज का टॉपिक है कैरेक्टर स्केच ऑफ द यंग सीगल। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल दी सरस्वती एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द यंग सीगल। इसका आंसर है, द यंग सीगल वॉज अ टिमिड सी बर्ड। यंग सीगल एक डरपोक समुद्री पक्षी था। He hesitated and feared to fly. वह झिझक रहा था और उड़ने से डर रहा था। In vain, his parents tried every effort to teach the young seagull to fly. व्यर्थ में उसके माता पिता ने युवा सीगल को उड़ना सिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया। He lacked confidence. उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। He thought that his wings would not support him. उसने सोचा कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। He also enjoyed comfort and never offered to assist in looking for food. उसने आराम का भी आनंद लिया और कभी भी भोजन की तलाश में सहायता करने की पेशकश नहीं की। His parents, brothers and sister took off ahead of him, flying on the green sea. उसके माता पिता, भाइयों और बहन ने उसके आगे से हरे समुद्र के ऊपर उड़ान भरी। And left him on his own to fend for himself. और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। To attract his family's attention. अपने परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। He stood there on one leg while appearing to be asleep. वह सोता हुआ प्रतीत होने के लिए एक पैर पर खड़ा हो गया। He looked around for food when he was extremely hungry. जब उसे अत्यधिक भूख लगी तो उसने भोजन के लिए आसपास देखा। When he was unable to find anything to eat nearby. जब उसे आसपास खाने के लिए कुछ नहीं मिला। He begged his mother to give him food. तो उसने अपनी माँ से उसे खाना देने की विनती की। The mother flew with the piece of fish towards the young seagull. माँ मछली के टुकड़े के साथ युवा सीगल की ओर उड़ी। When she reached over him, she became motionless in the air. जब वह उसके ऊपर पहुंची तो वह हवा में गतिहीन हो गई। She did not get down on the rock. वह चट्टान पर नहीं उतरी। The young seagull bent forward and jumped to grab the fish. युवा सीगल आगे झुक गया और मछली पकड़ने के लिए कूद गया। He got frightened and started to flap his wings to save himself from falling. वह डर गया और गिरने से बचने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगा। Thus he took his first flight out of hunger. इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भूख से भरी। And was no longer afraid of it. और अब उसे कोई डर नहीं था।